આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. सपा नेता ने बीजेपी पार्टी पर साधा निशाना, कहा विकास के नाम पर लुटा गया है जनता को. उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता भगवान दास फौजी ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा इस सरकार में आम जनता अनेक कठिनाइयों से गुजर रही है. उन्होंने कहा बीजेपी पार्टी ने तमाम विकास कार्य के लिए दावे किए थे लेकिन वह अंदर से खोखले साबित हुए. इस दौरान उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे. इसी के साथ उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी पर बीजेपी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास किया कि उससे ज्यादा विकास और कोई पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है. सपा नेता भगवान दास फौजी ने बीजेपी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए निशुल्क राशन देने का दिखावा किया है और यहाँ पे कहीं गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा. रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित, स्पीड न्यूज 17, बारवा. हमारी अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को बिजली फ्री देंगे. मैं समझता हूँ कि इस बिजली फ्री देने से जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, गरीब का भला होगा और सबसे छोटे व्यक्ति जो गरीब है उसका बहुत ज़्यादा भला होगा. सरकार ने पिछली सरकारों में क्या हुआ कि बिजली की मीटर जबरदस्ती गरीबों के घर पर लगा दिए गए BPL या किसी योजना के तहत, लेकिन उन लोगों को जब बिल देखा तो बिल आ रहा 1700 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये, जो बिल देने की स्थिति में नहीं है. और इसके अलावा विकास कार्य के लिए क्या कहना है आपका, समाजवादी पार्टी क्या विकास कार्य करेगी अगर सरकार बनती है? समाजवादी पार्टी तो विकास ही करती है, जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा है, हाँ, और लैपटॉप है, साइकिल है और रोड है. समाजवादी का नाम ही विकास है. जैसा कि अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बिजली नहीं दे पाती तो फ्री बिजली क्या देगी. देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो गलत कहा, क्योंकि जब बिजली के जो प्लांट सरकार पिछली सरकार में जो बनाए गए समाजवादी सरकार में उन प्लांटों में काम चल रहा था, वो प्लांट ही मतलब इन्होंने बंद कर दिए, उन प्लांटों की देख रेख ही नहीं की, उन प्लांटों को सुचारू रूप से चलाया नहीं गया. जब सरकार बनेगी समाजवादी की तो उन प्लांटों को बिजली प्लांटों को चलाया जाएगा और भरपूर बिजली मिलेगी, भरपूर बिजली मिलेगी. किसान की आय यहाँ से दोगुनी होती है. जैसे कि पंजाब में किसान खुशहाल है. पंजाब किसान खुशहाल क्यों है? क्योंकि उसको बिजली मुफ्त है. हमारे यहाँ बिजली किसान को मुफ्त नहीं है. हमारे यहाँ का किसान रामपुर जिले का किसान इंजन के ऊपर, छोटे इंजन के ऊपर निर्भर रहता है, जो कि 100 रुपये के लगभग समथिंग डीजल है, इसको फूकता है, उसकी आय दोगुनी कहाँ से उसको, मतलब उसको बराबर भी नहीं कर पाता. विकास को लेकर जैसे कि बीजेपी पार्टी है, विकास को लेकर तमाम दावे किए थे, कितना विकास हो पाया? देखिए विकास इन्होंने विकास करा है, विकास क्या किया है इन्होंने, सिर्फ शौचालय तक निर्भर रहे, शौचालय तक रहे, आगे इन्होंने कोई विकास की बात नहीं की. किसी गरीब आदमी का कोई भला नहीं कर पाई है सरकार. ये गरीब आदमी और गरीब हो गया है और गरीब आदमी बदहाल हो गया. लॉकडाउन के दौरान अगर बात की जाए तो लोग दिल्ली से कहाँ कहाँ लोग पैदल गए. क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकी कि उनको उनको घर तक छुड़वा दे? क्या सरकार लॉकडाउन के दौरान